इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पन्ना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में पहुंचे अजयगढ़। अजयगढ़ में जमकर बरसे उत्तर योगी आदित्यनाथ। योगी राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर कसा तंज। कहा 12 नवंबर दीपावली के साथ एक दीप जलाकर कांग्रेस की करो विदाई। पन्ना के अजयगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल आम सभा हुई, जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने अजयगढ़ में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को केदारनाथ धाम की याद आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त केदारनाथ में आई त्रासदी में कांग्रेस को केदारनाथ की याद नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने ही केदारनाथ का कायाकल्प कराया। योगी जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो भगवान राम का विरोध करते हैं। वही योगी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दीपक दीपावली के पहले भगवान राम के भव्य मंदिर के नाम का जलाना और एक दीपक कांग्रेस से मुक्ति के लिए जलाना। 12 नवंबर को दीपावली है, 17 नवंबर को मतदान, जिसमें कांग्रेस की विदाई के साथ भाजपा की विदाई का बटन दबाना है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आप में समस्या है और बीजेपी समाधान। अब आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, समस्या या समाधान। अब फैसला आपको करना है कि आपको समस्या चाहिए कि समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पन्ना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह को विजय बनाने की अजयगढ़ क्षेत्र में मतदाताओं से अपील की है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सारे नातेदारी रिश्तेदारी और लोगों के आवागमन के लिए अपने रोज के कार्यों के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई खेती बाड़ी के बहाने इधर से उधर जाता रहता है और इसीलिए क्षेत्र हम लोगों से दूर नहीं है। दोनों राज्यों के अंदर चलने वाली गतिविधियों का प्रभाव एक दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।